फाइनली दोस्तों इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 और ट्रिपल आर के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बाद अब हॉलीवुड की बिग बजट फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने को तैयार है। और इस फिल्म ने दोस्तों एडवांस के मामले में इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड की दोनों ही फिल्मों को सिर्फ पीछे नहीं किया है बल्कि बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, ट्रिपल आर, हीरोपंती 2, रनवे 34 और आचार्य के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। और साथ ही साथ जानने वाले हैं दोस्तों कि इस हफ्ते रिलीज होने वाली इंडियन बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है और इस फिल्म का जो एडवांस कलेक्शन है वो कितने करोड़ का हो चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और अवतार 2 के टीजर को देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म ट्रिपल आर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि रिलीज किए आज 39 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 39 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। एसएस राजामौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे कि 450 करोड़ के ज्यादा के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म के लीड में आपको तेलुगु सिनेमा के दो पावरफुल सुपरस्टार्स यानी कि एनटीआर और रामचरण नजर आए थे। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर तो अपने पहले दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और बाहुबली के 217 करोड़ के कलेक्शन को पीछे कर दिया। तो वहीं दोस्तों अपने पहले हफ्ते ये फिल्म दुनिया भर से 710 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से इस फिल्म ने अपने शुरुआती 2 हफ्तों में 1000 करोड़ की कमाई कर ली थी। अपने तीसरे हफ्ते तक यह फिल्म 1100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली थी। साथ ही साथ दोस्तों अपने चौथे हफ्ते तक इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो 1130 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके थे। अपने पांचवें हफ्ते दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1150 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। तो वहीं दोस्तों अपने छठे हफ्ते यानी कि इस हफ्ते भी इस फिल्म को जितनी स्क्रीन्स मिली है उन सभी स्क्रीन्स पर यह फिल्म काफी अच्छी कमाई कर रही है और इस हफ्ते भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी धमाकेदार आ रहे हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का अभी तक का जो टोटल कलेक्शन था वो 38 दिनों का हो चुका था 1159 करोड़ रुपए का। आज दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 80 लाख रुपए की कमाई कर रही है जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 1160 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका है। ऐसे में दोस्तों ट्रिपल आर इंडियन सिनेमा के साथ साथ वर्ल्ड वाइड सिनेमा की इस साल रिलीज होने वाली टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर हीरोपंती 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि रिलीज किए आज 4 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म के लीड में आपको टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे। अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 7 करोड़ से ज्यादा बड़ी ओपनिंग मिली लेकिन दोस्तों उसके बाद से इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी कम रहे हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में 20% की ड्रॉप देखी गई, वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में लगभग 30% की ड्रॉप देखी गई। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का इंडिया से कलेक्शन सिर्फ 18 करोड़ रुपए का ही हो पाया है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में सिर्फ 21 करोड़ की ही कमाई कर पाई है जिससे कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 4th दिन है और आज के इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ही आ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर रनवे 34 के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस एविएशन थ्रिलर फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था जिसके लीड में आपको अजय देवगन सर, अमिताभ बच्चन सर, रकुल प्रीत और बोमन ईरानी सर नजर आए थे। दोस्तों अजय देवगन सर ने ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं लेकिन दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ओपनिंग नहीं मिल पाई और इस फिल्म ने कमाए थे 3 करोड़ 48 लाख रुपए। अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन थे उसमें थोड़ी ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए थे लगभग 5 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 7 करोड़ 30 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म भी अपने शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग 15 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाई है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का भी जो कलेक्शन है वो लगभग 1819 करोड़ रुपए का ही हो पाया है। अजय देवगन की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज अच्छे मिल रहे हैं, यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 4th दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा होल्ड करती हुई नजर आ रही है और आज की इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 4 दिनों में हीरोपंती के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आगे निकल चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अगर इसी तरह का होल्ड करके रखी हुई रहेगी तो 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके एक एवरेज फिल्म साबित हो सकती है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म आचार्य के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 1600 और दुनिया भर में 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। बताते चले दोस्तों आपको कि कोर्तला शिवा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने पहले दिन 62 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने में कामयाब रही। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले हैं लेकिन दोस्तों यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को हेटर्स की नेगेटिविटी का काफी सामना करना पड़ रहा है। आचार्य यानी कि चिरंजीवी सर और रामचरण को लेकर हेटर्स काफी सारी नेगेटिविटी फैला चुके हैं, यही वजह है दोस्तों कि अपने दूसरे दिन आचार्य के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो काफी कम रहे थे। वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें भी काफी बड़ी ड्रॉप देखी गई। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म अपनी शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग 70 करोड़ की ही कमाई कर पाई थी। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो शुरुआती 3 दिनों का कलेक्शन है वो 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। आज दोस्तों इस
फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन है और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो सिर्फ 1,80,00,000 रुपए की रही है। दोस्तों मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भी आज इस फिल्म की कुछ खास नहीं है, यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने चौथे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां 4 करोड़ तक की ही कमाई कर रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 110 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। दोस्तों बात कर लिया यहां पर फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 3,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है और यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि मार्वल्स की इस मच अवेटेड फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6 मई को रिलीज किया जाना है, जिसका डायरेक्शन किया है सैम रेमी ने और इस फिल्म के लीड में आपको बेनेडिक्ट कंबरबैच, एलिजाबेथ ऑलसन और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस सिनेमैटिक फिल्म को देखने के लिए दोस्तों ऑडियंस की जो एक्साइटमेंट है वो काफी बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के साथ साथ दुनिया भर में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। दोस्तों इस फिल्म के एडवांस को लगभग 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था और कुछ कुछ शहरों में इस फिल्म की जो एडवांस शुरू हुई थी वहां से इस फिल्म ने काफी शानदार कमाई भी कर ली थी। दोस्तों बताते चले आपको कि इस वीकेंड में रिलीज होने वाली फिल्मों से पहले ही ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ से ज्यादा एडवांस हासिल कर चुकी थी, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल एडवांस है। साथ ही साथ दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होते ही इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए की एडवांस हासिल कर ली है। साउथ इंडिया मार्केट से दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो 3.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। नॉर्थ इंडिया से दोस्तों इस फिल्म की जो टोटल एडवांस है वो लगभग 15 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें दोस्तों दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे सिटीज में इस फिल्म की एडवांस को लेकर काफी अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि यह फिल्म अपने रिलीज से पहले तक लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए की एडवांस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ले लेगी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो स्पाइडरमैन नो वे होम को टक्कर देने वाला है और यह फिल्म अपने पहले दिन लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग इंडिया में लेने वाली है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो लगभग 750 करोड़ रुपए का रह सकता है। बताते चले दोस्तों आपको कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सारी बॉलीवुड और साउथ फिल्मों को चैलेंज कर सकती है और इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बन सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही, साथ ही साथ दोस्तों इंडियन सिनेमा की चौथी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म भी बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जो कि मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है, इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले हफ्ते में तो बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों को धूल चटा चुकी थी। अपने तीसरे हफ्ते दोस्तों यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है और हिंदी में जहां यह फिल्म बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए हिंदी की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बनने जा रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो ऑल टाइम टॉप 3 की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने पहले हफ्ते में 750 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में 997 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया था। अपने तीसरे हफ्ते दोस्तों यह फिल्म काफी शानदार कमाई कर रही है और अपने शुरुआती 3 दिनों में इस फिल्म ने 1,055 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया था। अपने 18वें दिन दोस्तों इस फिल्म ने जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए की कमाई की, तो वहीं दोस्तों आज यह फिल्म अपने 19वें दिन भी इंडिया से और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से लगभग 12 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 1,067 करोड़ रुपए का अपने 19 दिनों में हो चुका होगा और केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ही 900 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि अगर यह फिल्म इसी तरह से इस हफ्ते कमाई करती रही और अगले हफ्ते भी इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में क्रेज देखने को मिला, तो यह फिल्म बाहुबली 2 के बाद इंडियन सिनेमा की दूसरी फिल्म बन जाएगी जिसने कि इंडिया में ही 1,000 करोड़ की कमाई कर ली होगी। ऐसे में दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स को अब बॉलीवुड क्या हॉलीवुड भी इंडिया में तोड़ने से डर जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1,000 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है और केजीएफ चैप्टर 2 और बाहुबली 2 ही ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। अब देखना यही है दोस्तों कि क्या इस फिल्म के रिकॉर्ड्स को कोई फिल्म तोड़ पाती है या नहीं और डॉक्टर स्ट्रेंज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग ले पाती है। आपको दोस्तों इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा जमी हमें अपनी रेकमेंड करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ